ऐसी परिस्थितियां राम जी के जीवन में आनी थी और ये तय था, इसलिए मैं भगवान श्री राम की कुंडली पर एक विश्लेषण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यहाँ मैं सबसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जो भी देवी देवता सशरीर इस धरती पर उपस्थित हुए हैं, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, उन्होंने शायद ही कुछ पल सुख के और आनंद के बिताए थे। रामचंद्र जी का जन्म कर्क लगन में हुआ और उनकी जन्म राशि भी कर्क है। जब श्री राम का जन्म हुआ है तो जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ है, लेकिन चंद्रमा पुष्य में जाने ही वाला है और शनि चौथे भाव में है, उच्च का है। धनु का बृहस्पति है सातवें भाव में, मंगल है वो भी मकर राशि का, उच्च का। नवें भाव में मीन राशि के बुध शुक्र है, दशम में मेष का सूर्य और एकादश राहु पांचवें भाव में, पांचवें भाव में केतु है। ज्योतिष के अनुसार इस प्रकार की कुंडलियों में बहुत संघर्ष होता है। इससे मिलती जुलती कुंडली हम में से बहुत सारे लोगों की हो सकती है, जिनके लिए मैं एक बात कहना चाहूँ। इस प्रकार देखा जाए तो राम जी को कभी भी सुखी वैवाहिक जीवन नहीं मिला। राम जी की कुंडली में मंगल दोष है, क्योंकि उनके सातवें भाव में उच्च का मंगल है और राम जी का बुध भी नीच का है। सुख भाव में उच्च का शनि विराजमान है, पांचवें भाव में राहु और केतु का प्रभाव इस बात का द्योतक है कि उनको संतान का सुख भी आसानी से प्राप्त नहीं होगा। आज भी यदि आप देखें तो कर्क राशि और कर्क लग्न के लोग भौतिक सुख आसानी से नहीं भोग पाते, चाहे इसका कारण व्यस्तता हो या इसका कारण जिम्मेदारियां हो या इसका कारण जीवन का संघर्ष हो या इसका कारण उनकी अपनी मानसिकता हो, कुछ भी हो, लेकिन उनके भौतिक सुखों के भोगने में बहुत परेशानी आती है। चौथे भाव में कोई भी क्रूर ग्रह किसी बिरले को ही सुख लेने देता है, अन्यथा चौथे भाव का ग्रह वो अगर क्रूर है तो जीवन सुख में नहीं गुजरता, जीवन में कष्ट आता है और मंगल दोष से ग्रस्त कुंडलियों को विवाह सुख बड़ी कठिनाई से मिलता है। बहुत सारे लोग अपने आप को ये संभावना देते हैं, 28 पूरे हो जाएंगे उसके बाद सुख मिलने लगेगा, मंगल दोष कट जाता है 28 के बाद। ऐसा कभी नहीं होता। कुंडली के योगों को समझना इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा है उसके माध्यम से ग्रह जो हमें या काल जो हमें समझाना चाहता है वह ईश्वरीय आज्ञा है, उसकी अवहेलना मत करो। कोई सुख नहीं लिखा तो आप मानसिक रूप से तैयार हो जाइए, यह सुख नहीं लिखा हुआ होगा तो यह सुख अवश्य लिखा हुआ होगा, यह साधन नहीं मिल रहा होगा तो वो साधन मिल रहा होगा, यह रास्ता आपके चलने का नहीं होगा तो वो रास्ता आपके चलने का होगा। राम जी की कुंडली के समस्त योग उन्हें एक महान राजा बनाते हैं, एक महान ज्ञानी बनाते हैं, विनम्र बनाते हैं। रामचंद्र जी की कुंडली बताती है कि वो एक बेहद भावुक पुरुष थे और जन कल्याण में ऐसे लोग सब कुछ लुटा देने वाले होते हैं। कर्क राशि और कर्क लग्न के प्रभाव से तथा नवम भाव में उच्च के शुक्र के प्रभाव से उन्हें उच्च कोटि के गुरु मिले, लक्ष्मण जी जैसे भाई मिले, हनुमान जी जैसे सखा मिले, बेहद सुशील दिव्य।